क्या गैस आपका भी एरर वगैरह प्रॉब्लम आ चुका है, और पहले तो गैस आपको पता ही होगा कि एयरटेल में आया था, बट अभी आप लोग देखने गैस जियो वाले सिम में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा भाई एक्चुअल में यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है और आप लोगों को कैसे सही करना है। सो गैस आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि आपसे को इन फ्यूचर इसी तरह का वीडियो देखने को मिलती रहेगी। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं आपसे एक बता दूं, ये जो प्रॉब्लम आया था गाइस सबसे पहले एयरटेल वाला सिम के साथ आया था, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक या दो दिनों के बाद फिर वो प्रॉब्लम हट गया था। लेकिन अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक फ्रेंड है ठीक, वो यहाँ पे बंगाल से, और ये जो प्रॉब्लम आ रही गाइस यहाँ जितने भी बंगाल में प्लेयर है उन लोगों को हो रहा ठीक है। मैं बिहार से हूँ तो मेरा गेम ओपन हो रहा था और मैंने फिर यहाँ पे कॉल किया था, मेरे कॉल भी आया था कल के दिन आया था, वो मेरा भाई मेरा दोस्त था, वो बोल रहा था कि मेरा ओपन नहीं हो रहा और मेरा जियो का सिम है। तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसने यार कंपनी के साथ यहाँ पे बात भी किया है, बंगाली में बात किया है ठीक है। तो जो भाई लोग यहाँ पे बंगाली यहाँ पे भाषा जानते हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा, उसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपसे को सही करना है, क्या हमारा फ्री फायर बैन हो गया फिर नहीं हो गया, सब कुछ मैं आपसे को बताऊंगा ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग उस क्लिप को सुन लो जो उस कंपनी के साथ यहाँ पे बात किया है, जियो वाले सिम के साथ यहाँ पे बात किया है। तो सबसे पहले आप लोगों আমার যে স্টেটে মানে এখন আমি বসবাস করছি, তো সেখানে কি এখন কোন ইন্টারনেটের প্রবলেম চলছে জিওর, একটু দেখে বলতে পারবেন? না মানে ইন্টারনেট হচ্ছে ইউটিউব ফেসবুক যা যা হয় সবকিছু ভালোভাবে ইউজ করা যাচ্ছে, বাট ফ্রি ফায়ার যখন ওপেন করতে যাচ্ছি তো নেটওয়ার্ক কানেক্টিং ইরর বা বাফারিং নিচ্ছে, ওটা ওপেন হচ্ছে না কেন? হ্যাঁ বাট এটা দেখলাম গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট পেজ আছে সেখান থেকেও আমরা দেখলাম যে ফ্রি ফায়ার ব্যান হয়নি, সাসপেন্ড করে দিয়ে গেছে কিছু দিনের জন্য ঠিক আছে। তাও এরকম প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন আছে এইটা ফ্রি ফায়ার স্যার ব্যান করা হয়েছে। আচ্ছা ওই কারণে তার কারণে চলছে না স্যার, আর এই অ্যাপ ছাড়া আপনি অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশনগুলো জিও নেটওয়ার্ক থেকে আপনি ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটা রিসেন্টলি অ্যাপগুলো আপনার ব্যান করা হয়েছে। এটা কবে থেকে করা হয়েছে? রিসেন্টলি স্যার এক দুদিনের ভিতরে। বাট এটা কাল পর্যন্ত তো চলছিল, দুদিন বলছেন আপনি, তো কাল পর্যন্ত তো চলছিল গেমটা না ফ্রি ফায়ার এই জিও সিমে? রিসেন্টলি বন্ধ হয়েছে স্যার। আজ হঠাৎ সকালবেলায় দেখছি গেমটা ওপেন করতে গিয়ে হচ্ছে না। আপনাদের এটা কি ওপর থেকে অর্ডার আছে যে নেটওয়ার্ক দেওয়া হবে না? দুদিন আগে, আর আজকে আপনি বলছেন যে দু তিন দিন আগে আপনাদের দিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তো সেদিন কেন বলেননি কথাটা? যেদিন আপনি কল করেছিলেন হতে পারে কোনো আপডেট আসেনি, এই জন্যই আপনাকে বলা হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি আপনারা কি করছেন কিছুই বুঝতে পারছি না, একবার এই সিম একবার ওই সিম, প্রবলেমটা ইউজারদের হচ্ছে ম্যাডাম। বুঝতে পারছি স্যার, যদি গভর্নমেন্ট করতে ব্যান করবে আমরা কিছু করতে পারবো না স্যার, জিও নেটওয়ার্ক থেকে ব্যান করে হচ্ছে স্যার পার্মানেন্টলি। এটা তো কিছু আপডেট নেই স্যার, পার্মানেন্টলি টেম্পোরারি, এখন কারেন্টলি আপনার ব্যান আছে টেম্পোরারি, যদি গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট এর আবার খুলবে তাহলে আবার তো আপনি ইউজ করতে পারবেন, যদি না খুলে তাহলে তো ইউজ করতে পারবেন স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ জানানোর জন্য। तो देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ पे कंपनी वालों से क्या क्या बात किया होगा। आई होप आप लोगों को बंगाली जो आप लोगों को समझ में आता होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर गाइस आप लोग बंगाली आप लोग जानते हो तभी आप लोगों को समझ में आया, कुछ बातें वो आप लोगों को समझ में आया होगा जो हिंदी जानते हैं, मुझे भी यार कुछ बातें समझ में आया था। वहाँ पे बोला जा रहा कि यहाँ पे जो मेरा फ्री फायर है वो सेम इसी तरह से हुआ कि हमारे जो एयरटेल था उन वाला जो एयरटेल वाला कंपनी से बात किया था, तो वहाँ पे बताया जा रहा कि हमारा एयरटेल कंपनी यहाँ पे जो बताया गया फ्री फायर को बैन कर दिया गया, हमारे
गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पर मतलब बोल दिया कि यहाँ वाले फ्री फायर को मतलब नेटवर्क नहीं देना है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ वाले फ्री फायर बैन कर दिया है, कि जियो वाले भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि पहले तो हमारा एयरटेल में हुआ, फिर उसके बाद वो भी सही हो गया, अब जियो में हो रहा तो वो भी बोल रहे, जियो वाले बोल रहे कि फ्री फायर को बैन हो गया, ये हो गया हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को कन्फर्म ये कर दूँ कि हमारा फ्री फायर अभी बैन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया कि हमारा लास्ट वीडियो है, बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर है वो मतलब बंगाल से, वो मतलब बंगाल में कैसे यहाँ पे हो गया, बर्धमान हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरह से जो होता है वो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे और कॉल भी मेरे आ चुका है, 2-3 कॉल आए थे कल के ही दिन, तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट नहीं सोचा, लेकिन गाइस आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ, बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत सारे कॉल भी आए, तो फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं गाइस, देखो फ्री फायर बैन नहीं हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि फ्री फायर बैन नहीं हुआ। ठीक है, हमारा फ्री फायर कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया गया। आप लोग खुद सोच लो कि अगर फ्री फायर बैन होता तो सभी सिम में नेटवर्क निजाम बंद कर देता, फ्री फायर यहाँ भी चलता ही नहीं। ठीक है, पहले तो एयरटेल में हुआ, फिर अभी जियो, मेरा समझ में नहीं आ रहा यार कि मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, पहले तो जियो वाले ने आपने बोला था कि फ्री फायर में यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं आया कि फ्री फायर को बैन किया गया, अब जियो वाले फिर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्री फायर को बैन कर दिया गया है, नेट देना बंद कर दिया है। तो कैसे यहाँ पे क्या होता है, लेकिन कैसे आपको इतना बता देता हूँ मैं आप सभी को कि जो हमारा फ्री फायर है वो बैन नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अगर कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि कैसे यहाँ पे इधर वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट में कि आप लोग कहाँ से हो। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयरटेल में सही हो गया था कुछ दिनों के बाद, उसी आप लोगों को एयरटेल में जियो में भी हो जाएगा। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हॉटस्पॉट लेके अपने फ्रेंड को आप लोग हॉटस्पॉट लो, उसके बाद आप लोग मजे में फ्री फायर को खेलो। ठीक है, तो आप लोग बता देना। एंड गाइस आज के इस वीडियो बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।